का बिग बॉस हुए हैं अपने प्लान में कामयाब। आयशा और मुनव्वर को दूर करके क्या लाना चाहते हैं मुनव्वर और मनारा को करीब, आखिर क्यों चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फूज। बिग बॉस के घर में हमने ये सारी चीजें नोटिस की कि भाई आयशा मुनव्वर का तो हो गया, अब ऐसे में सारी गलती जो है आयशा पर ही डाल दी गई, मुनव्वर को क्लीन चिट दिखा दिया गया। अब जिसके बाद हमने ये भी देखा कि मनारा अपना एक अलग ड्रामा लेकर बैठ गई थी, फिलहाल हम इस पर बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मुनव्वर और मनारा एक साथ नजर आ रहे हैं और आयशा अलग नजर आ रही है। बिग बॉस के घर में एंट्री हो चुकी है आयशा की, लेकिन अब यहाँ पर मुनव्वर और मनारा ज्यादा बातें कर रहे हैं। भाई यहाँ पर हमने कल के एपिसोड में भी देखा, आयशा चली गई तो उसके बाद यहाँ पर मुनव्वर और मनारा भी नजर आए थे एक साथ। इसी के साथ अब वीकेंड के वार का प्रोमो भी सामने आया है जो आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। मुनव्वर काफी खुश नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई है भाई की। और इसी के बाद हमने ये भी देखा कि भाई मनारा के साथ मुनव्वर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके नखरे को झेलते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट भी हमें देखने को मिला है जो आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल तो अब ऐसे में यहां पर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाई मुनव्वर और आयशा को इसीलिए दूर किया कि जिससे कि मुनव्वर और मनारा करीब आ सके और मनारा टिकट टू फिनाले एक टास्क होने वाला है, जल्दी होगा और वो जीत सके और फिनाले में जा सके। यानी कि एक बार फिर से बिग बॉस ने वही काम किया है कि मुनव्वर के पीछे मनारा को टांग दिया है और बिग बॉस ऐसा लग रहा है कि अपने प्लान में कामयाब भी हो रहे हैं। बल आपको भी यही लग रहा है कि आयशा और मुनव्वर के बीच में दरार इसीलिए बिग बॉस ने डाली कि जिससे कि मनारा और मुनव्वर पास आ जाए, एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ले, एक दूसरे के करीब आ जाए और ये फिनाले तक पहुंच जाए। वेल, आपको क्या लगता है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।